أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर, अखबारों पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर जो है एक बड़ा गलगला उठा, बल्कि गली गली महल्ले महल्ले चर्चा हुआ, जुबान जुबान ये चर्चा हुआ, 9वीं के बच्चे फेल हो गए, 10वीं के फेल हो गए, तो और क्या इन्होंने पास होना है भाई। अपने पूरे माशरे का हाल देख लेना, हम सब तो माशरे का हाल बहुत ही बुरा है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जी माशरा जो है वो क्या वो कोई बड़ी कोई अलग किस्म की चीज़ है? माशरा कैसे अलग हो सकता है? माशरा अफराद से बनता है ना। जंगलों पहाड़ों में तो कोई माशरा नहीं है, वहाँ इंसान बसेगा तो वहाँ का एक माशरा होगा ना, जंगली माशरा होगा, पहाड़ी माशरा होगा, वहाँ इंसान बसेगा तो तब ना जी। ये जो हमारे शहर है ना, ये एक जंगल बन चुका है। ये इंसान जो है ना, ये माशरती हैवान जो है, सोशल एनिमल, ये अब पूरे का पूरा सही मानों में जानवर बनने की तरफ इल्ला माशाल्लाह गामजन है। स्टूडेंट है तो वो सिर्फ टाई लगा के और किताबें और दो किताबें एक दो पेन लगा के ना वो स्टूडेंट बना फिरता है। स्टूडेंट ये जैसे कि सुल्तान राय का एक नारा बन गया है, स्टूडेंट ना हो गया जैसे पता नहीं मुफ्ती अकलीम का शहनशाह हो गया। 10-12 स्टूडेंट इकट्ठे हो गए ना तो वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ लगने पड़ते हैं। सोच रहे होंगे कि मैं एक एज ए टीचर मैं ये कैसी बातें कर रहा हूँ भाई, बच्चे फेल क्यों हुए? क्या यही है उस्ताद पहले नहीं पढ़ाते थे? यही बच्चे जिन उस्तादों के हाथों इस वक्त पढ़ के ये फेल हुए हैं, तो क्या इसमें इन टीचर्स का कसूर है? यकीनन ये वीडियो देखने वाले जो बातें सुन रहे होंगे तो वो ये सोच रहे होंगे कि यार ये खुद टीचर हैं, सर साहब जो है ये खुद टीचर हैं, अपनी साइड ले रहे हैं। नहीं नहीं, मैं साइड नहीं ले रहा, मैं हमारे अपने बच्चे फेल हो गए हैं। अच्छा, उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे नज़र आया है वो ये है कि ये जो एंड्रॉयड बच्चे हैं, ये एंड्रॉयड बच्चे हैं, ठीक है, एंड्रॉयड बच्चे हैं। मैं इनको क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल हर एक बच्चे के पास है। मैं खुद यहाँ पर ये देखता हूँ कि एक 7वीं 8वीं का बच्चा है, उसके पास अपना एक एंड्रॉयड मोबाइल है। चलो वो स्कूल नहीं लाता, हम उसको सर्च करते हैं, पकड़ लेते हैं, लेकिन घरों में आप देख लें कि उनके पास मौजूद हैं, ठीक है। मैंने एक दिन एक 9th के स्टूडेंट से पूछा, मैंने कहा यार आपके पास घर में कितने एंड्रॉयड मोबाइल हैं, उनसे ज़रा मुझे छोटा सा काम है। वो कहने लगा जी हमारे घर में 12 मोबाइल हैं एंड्रॉयड, और हर मोबाइल जो है कम से कम 30-35 हज़ार रुपये का है। ऊपर से महंगाई का रोना रो रहे हैं। चले एक महंगाई तो एक अलग से चैप्टर है। वो उन 12 मोबाइलों में क्या करते हैं? बहन अलग लेके बैठी, भाई अलग लेके बैठा है, अबू अलग लेके बैठा है, अम्मी अलग लेके बैठी है, खाला जनाब, उन उस पर क्या इतना कौन सा ज़रूरी काम वो कर रहे हैं भाई? आपने अपने घरों का माहौल इस तरह का बना दिया है, अब आप टीचर्स को कैसे गिला करते हैं? एंड वाट अबाउट फॉर द इंस्टीट्यूशन, इदारों का क्या कसूर है? इदारे वाले क्या आपके घर में घुस जाएं कि जी अपने बच्चों को मोबाइल ना दें? हमारे पास वालदैन आते हैं, वालदैन गिला शिको कर क्या कहते हैं? कहते जी हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते, हमारे बच्चे गालियां देते हैं, हमारे बच्चे हर वक्त मोबाइल पे लगे रहते हैं, हमारे बच्चे हर वक्त कार्टून देखते रहते हैं जी। और बड़ा हम इनको समझाते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, आप इनको कुछ कहें? हमारे पास 5 घंटे रहते हैं बच्चे, 5 घंटे में हमने उन्हें 8 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे या उनको ये अखलाकियात का दर्स देते रह जाएंगे। बच्चों की लिखाइयाँ देख लें, बच्चों की डिक्टेशन ही कोई नहीं है, बच्चों को लिखाई के तरीके कार ही नहीं पता हुआ। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं। मेरी बातों को ना ज़रा गौर से सुनिएगा, ये जो टीचर्स नज़र आते हैं ये भी सुनेंगे। बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है, बच्चों ये इधर उधर से स्कूलों से छोड़ के आते हैं ना बच्चे। एक बच्चा मेरे पास 9th में आया तो मैंने उसको जब वो बायोलॉजी का पीरियड था तो मैं उसको लिखाने लगा एक क्वेश्चन फ्रेगमेंटेशन का, तो वो उर्दू मीडियम था, तो मैंने कहा चलो तुम्हें मैं लिखाता हूँ। जबानी लिखाने लगा तो मैंने देखा, मैंने कहा यार तुम्हारी लिखाई की स्पीड बड़ी स्लो है। तो वो दूसरे लड़के कहने लगे सर ये देखिए किस तरह लिख रहा है। वो लिख रहा था इंग्लिश स्टाइल में, यानी कि लेफ्ट टू राइट लिख रहा था, हालांकि उर्दू का जो वे ऑफ राइटिंग है वो राइट टू लेफ्ट है, ये लेफ्ट टू राइट लिख रहा था, यानी कि अब सिलसिला है, मिसाल तौर पर सिलसिला है, वो हे को पहले लिख रहा है, ठीक है जी, फिर लाम बनाया, फिर सीन बनाया, फिर लाम बनाया, फिर सीन बनाया, तो ये इंग्लिश की तरफ वो जा रहा था। तो मैं देख के हैरान रह गया, मैंने कहा व्हाट इज़ दिस? वो कहने लगा कि जी मैं 9वीं पहुँच गया हूँ, मुझे अभी तक इसी तरीके से सिखाते थे, अब मुझे बताएं कि वो
इसमें बच्चे का कसूर था, इसमें तो वो 9 साल कसूर था उन टीचर्स का। अच्छा जी, अब आ गए जी, 9वीं के इम्तिहान के बच्चे फेल क्यों हुए, ये जो मिसाल दी है मैंने, ठीक है जी, जो मिसाल दी है, अब मुझे ये बताइए कि मैं हूँ एक टीचर हूँ, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से कुछ और टीचर हजरात भी हैं, ऐसा ही बच्चा जिस वक्त उनके पास जाएगा, मुझे बताएं कि वो उसको बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स तैयार करवाएंगे, उसको समझाएंगे या उसको लिखने का तरीका बताने बैठ जाएंगे, अब हम उस बच्चे की लिखाई ठीक करवाएंगे या हम उस बच्चे के जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो सही कराएंगे, इतना बड़ा हैवी सिलेबस है, हमने उसको प्रैक्टिकल भी करवाने हैं, हम उसकी क्या क्या चीज़ दुरुस्त करवाएंगे। बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, वालदैन आ जाते हैं जी बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, अब हम उसको बच्चे को नमाज पढ़ना भी सिखाएंगे, एज ए टीचर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हम सिखाएंगे उसको, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास एकेडमी है, अब एकेडमी में शाम को मेरे पास बच्चे होते हैं, अब असर का टाइम होता है, मगरिब का टाइम होता है, मैं उनको 2 नमाज़ें पढ़ाता हूँ, ठीक है। अच्छा, उससे पहले और उसके बाद की अब वालदैन ज़िम्मेदारी नहीं अदा करते। मैं बच्चों से पूछता हूँ कि यार तुम घर में कुरान पाक नहीं पढ़ते हो, तो वो सिर झुका लेते, वो कहते हैं नहीं, फजर की नमाज़ पढ़ के आए हो जी, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि घर में कोई कहता नहीं है, या जस्ट एक खाना पूरी होती है, बेटे उठो अजान होगी नमाज पढ़ो चले, ठीक है। जब आपके बच्चे सवेरे सूरज निकलने पर उठेंगे तो आप उनको किस तरीके से सवेरे बिठाएंगे कि भाई तुम बैठ के ना सबक याद कर लो, ठीक है। बच्चों की लिखाइयाँ ही कमज़ोर होती हैं, हमारी बेस जो है बच्चों की वो 5 क्लास तक नहीं बनती। ये टीचर्स हज़रात भी इस चीज़ को ना मेरी चीज़ को समझें, ठीक है। हो सकता है कि वो इस चीज़ पर नफ़ी करते होंगे, लेकिन ये आपको बताऊं कि ये जो बच्चे की बेस है ये 3 क्लास तक बनती है, जहाँ तक आपने उनको लिखने के तरीके का, उनका स्टाइल, ठीक है, लफ्ज़ों के दरमियान में गैप कितना छोड़ना है, वो सारी चीज़ 3 क्लास तक पक्की करनी है। अब इंग्लिश के बच्चे लिखाई लिख रहे होते हैं, तो मैं ये जो वीडियो के साथ जो है ना, ये कुछ मैं राइटिंग स्टाइल भी डालूंगा, तो आप देखिएगा, तो उसमें लिखाई के जो है ना वो 3 स्टाइल होते हैं, एक इटा है, एक जो होता है वो मतलब कि लेफ्ट साइड झुका होता है, एक सीधी लिखाई होती है, एक इटैलिक होती है, थोड़ी टेढ़ी होती है, इस तरह, ठीक है। अब बच्चे जिस वक्त लिख रहे होते हैं ना, शुरू से लेकर कोई हर्फ जो है ना वो इस तरह आ रहा होता है, इंग्लिश में बता रहा हूँ, कोई सीधा आ रहा होता है, कोई इटैलिक में जा रहा होता है, इस तरह। तो अब बच्चों को एक तो जनाब टीचर धराते हैं ये बनाना है कि भाई लिखाई का स्टाइल एक होगा, ठीक है, स्टाइल एक होगा, एक लिखाई के अंदर बैलेंस होना चाहिए, ठीक है जी। ये भी लिखाई की बात हो रही है, लिखाई का बैलेंस होना चाहिए। जो 4 लाइन्स कॉपी जो हम बच्चों को यूज़ कराते हैं, ये 3 तक ही यूज़ कराएँ, ये 2 तक यूज़ कराएँ, उसके साथ साथ अब उनको उर्दू की कापी के ऊपर जो है वो लिखाई लिखाना शुरू कर दें। एक चीज़ को डिस्करेज करें, ये जो नैरो लाइन कापी है ये छुड़वा दें, बिल्कुल बच्चों से छुड़वा दें, अगर बच्चों की लाइनें से अपनी लिखाई ठीक करवानी है। देखें, आप बोर्ड के इम्तिहान देख लें, 5 का जो 5 का 8th का या 9th या 10th का जो आप बोर्ड के इम्तिहान देख लें, तो उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पर उर्दू की शीट्स देते हैं, वहाँ पर नैरो लाइन शीट्स नहीं देते, ठीक है जी। चाहे जिस भी सब्जेक्ट का पेपर हो, चाहे इंग्लिश लिखनी हो, तो वहाँ ये जो उर्दू की है ना, ये इस चीज़ की कापियाँ, ये जो रजिस्टर वगैरह हैं, ये बच्चों को लगवाएं ताकि इनकी लिखाई, बच्चों की जो छोटी ABC है, स्मॉल लेटर्स हैं, वो बिल्कुल 4 लाइन्स के ऊपर इस तरह उनको पक्की करके ले आएँ, ताकि उर्दू की कापी में लिखें तो उनका वो बैलेंस आए, ठीक है। जो 3 लाइनों पर हर्फ आते हैं वो बिल्कुल बैलेंस में आप आ जाएँ उनकी उर्दू वाली कापी के ऊपर, ठीक हो गया। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की लिखाई सबसे शानदार होती हैं, वो तख्तियाँ लिखते हैं, अब शायद तख्तियों का रिवाज वहाँ भी ख़त्म हो गया हो। हमारे शहरी बच्चे क्या हैं, ये तो शहरी बच्चे हैं, एंड्रॉयड मोबाइल, अब तो खैर मोबाइल जो है वो शहरों में भी पहुँच गया है। इस नेट ने, इस फेसबुक ने, इस व्हाट्सएप ने, इस टिकटॉक ने, या स्नैक वीडियोस ने बच्चों को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। अब ये टिकटॉक या ये एंड्रॉयड मोबाइल खुद तो बच्चे को चिपक नहीं गया ना जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, वालदैन बच्चों को मोबाइल से रोकते नहीं हैं, अब उनकी क्या बेस बनेगी, वो जी ले के बैठे होते हैं, टांग पे टांग रखे हैं, और जब कहा जाए कि जी आप क्यों करते हैं, तो वालदैन कहते हैं क्या करें जी, ये चुप ही नहीं करते हैं, ये तंग करते हैं, हम इनको मोबाइल दे के बिठा देते हैं। और यार तुम लोग मोबाइल दे के उनको अपनी जान छुड़ा लेते हो, आप कुछ थोड़ा सा उनको टाइम दो, उनकी तरबियत करो, उनको मोबाइल से हटाओ। मेरा भी एक बेटा माशाल्लाह आपसे कुरान है, उसको मैंने हिफ्ज़ करवाया है, उसको मैं दीनी दुनियावी तालीम अलहम्दुलिल्लाह दे रहा हूँ, वो इस वक्त जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आपसे ये बातचीत कर रहा हूँ, वो इस वक्त बैठा कुरान पाक की मंजिल तैयार कर रहा है, ठीक है जी।
और इसके बाद वो नात की प्रैक्टिस करेगा इंशाल्लाह अल-अज़ीज़। ये एक माहौल बनाना पड़ता है जी, वो भी इसी दुनिया का बच्चा है, वो भी इसी माशरे का हिस्सा है, उसका भी दिल करता है मोबाइल का, सब कुछ करता हुआ देखते टेम्पटेशन होती है। लेकिन मैं उसको समझाता हूँ, नहीं बेटे अभी आपका ये काम नहीं है, उसको समझाए ना, चीज़ ना दे ना। मोबाइल उसको मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो इस तरफ लग गया तो उसके जहन में यही चीज़ गर्दिश करती रहेगी और फिर वो कुरान पाक के जो अल्फाज या जो पढ़ाई का है वो उसके जहन में नहीं बैठेगा। वो ख़ुद मुझे कई दफ़ा कहता है, बाबा मैं जिस वक्त पढ़ रहा होता हूँ ना तो वो जो वीडियो गेम्स और वो चीज़ें जो है ना वो आगे पीछे गर्दिश कर रही होती मेरे जहन में। मैंने कहा देखे बेटे मैं तुम्हें इसीलिए मना करता था कि ना करो, फिर यही वजह हुई तकरीबन 2 साल से वो इन चीज़ों को छोड़ ही बैठा है। छोड़ी क्यों बैठा है? क्योंकि छुड़वाई गई हैं। तो प्लीज़ वालदैन अपना रवैया दुरुस्त करें, सारे का सारा ये टीचर्स पर मत डालें। ये जो कुछ आप कर रहे हैं ना अपनी औलाद के साथ, ये आप समझें ये आप उधार एक बैंक में जमा करा रहे हैं, ये आपके साथ ये पेश आना है, ये उनके साथ पेश भी आना है, ठीक है। अब बच्चे घरों में पढ़ते नहीं हैं, एक ट्यूशन का एक एकेडमी का एक रुझान बन गया हुआ है। अच्छा एकेडमीज में मैंने क्या देखा हुआ है, अच्छा बच्चे 9th क्लास के इस वक्त जो ज़्यादा फेलियर मेरे सामने आया ना, वो फेलियर की एक सबसे बड़ी वजह हमारे एक कारोबार बन चुका है एकेडमीज का। अब एकेडमीज में होता क्या है, एकेडमी नाम चल गए हैं जी, ट्यूशन सेंटर है, होती तो ट्यूशन ही है जी, सारे जानते हैं, ठीक है। अब ट्यूशन जी क्या, ट्यूशन का मकसद क्या है एकेडमी का, शाम को वालदैन 1,500-2,000 रुपया 3,000 रुपये भर रहे हैं, उसका मकसद ये है कि जो सवेरे स्कूल में बच्चे ने काम किया है शाम को जाके उसकी प्रैक्टिस करे, जो सवेरे टीचर ने उस्तानी उस्ताद साहब ने मास्टर साहब ने जो काम याद करने के लिए दिया है वो शाम को जाके वहाँ पर एकेडमी में एक पाबंद होकर याद करे। क्योंकि वालदैन कई शाम को बच्चों को टाइम नहीं दे सकते हैं, वो दुकानों पर होते हैं, वालदा घर में पकाने में होती है, तो आप 3-4 घंटे वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकते हैं। तो व्हाट इज़ द ट्यूशन, व्हाट इज़ द एकेडमी, ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर बच्चे स्पेसिफिक होकर अपना बैठते हैं और वहाँ पर याद करते हैं। लेकिन एकेडमीज़ का एक रुझान मैंने बहुत ज़्यादा देख लिया है, वो शाम के टाइम एक बाकायदा एक स्कूल की सूरत में चले हुए हैं। वो कहते हैं, मैंने जब बच्चों को समझाया कि बेटे एकेडमी जाते हो वहाँ पर आप क्यों नहीं याद करते हो, कहते हैं कि सर वहाँ पर ये चैप्टर नंबर 3 नहीं बल्कि वहाँ पर हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। मैंने कहा फिर ये क्या बात हुई जनाब के जी, वो सर वो ये कहते हैं कि हमने अपना याद करवाना है। भाई आपने अपना याद करवाना है, स्कूल वालों ने अपना याद करवाना है, तो फिर बच्चा तो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, 2 कश्तियों सवार हो गया। मैंने उन बच्चों को बड़ी मुश्किल में देखा है, सच अ डेलिवेंट स्टेशन, बड़ी मतलब कि बड़ी एक ना ऐसी सूरत हाल में देखा है कि वो परेशान बैठे हैं, वो कुछ और याद कर रहे थे। मैं बायो का 9th का पीरियड ले रहा था, मैंने उनको कहा भाई आपका ये तो नहीं है, ये तुम कौन सा याद कर रहे हो। वो कहते हैं कि सर ये एकेडमी में जाके हमने टेस्ट देना है। मैंने कहा जो स्कूल वाला टेस्ट है ये किस वक्त याद करोगे? वो कहते हैं सर रात 2 बजे। बच्चा रात को 2 बजे सोएगा या पढ़ेगा? आप खुद देखो, बच्चे ने फेल नहीं होना तो और क्या होना है। वो बच्चा जो 1,000 नंबरों का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो बच्चा 700-800 नंबर लेके एक वाजबी से पास हुआ है, मज़ा तो नहीं आया। वो बड़ा ही आउटस्टैंडिंग बच्चा था। इस तरह के और बहुत सारे बच्चे, मुझे तकरीबन 30-31 साल का तजर्बा है पढ़ाने का, एवरी सब्जेक्ट। अब एकेडमी वाला काम जो उन्होंने टीचर ने दिया है वो बच्चा किस टाइम याद करेगा स्कूल आके? स्कूल वाला किस टाइम याद करेगा एकेडमी जाके? ये क्या खिचड़ी पकी हुई है? यही वजूहत हैं, ये कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये फेलियर्स हैं। आप टीचर्स की तरफ आ जाए जी। अब हमारे यहाँ एक रुझान बन गया है क्या जी, नोट्स नोट्स नोट्स। जो सीनियर टीचर्स हैं वो मेरी अगर बात एक और सुने तो वो ये अगर सुन रहे होंगे तो वो ये देखेंगे कि भाई हमारे वक्त में फोटोशेट मशीन भी खाल खाली थी, मतलब कि कम कम थी, तो ये कंप्यूटर्स और ये चीज़ें सारी चीज़ें ये नेट वगैरह ये तो बहुत बाद में आया, ये 2006-07 के बाद आया, ठीक है। हमारे टीचर तो हमारे हमें कापियाँ मुकम्मल करवाया करते थे। आप तो जी बच्चा 2 महीने लेट दाखिल हुआ है तो क्या जी कि अपनी कापी का फोटोशेट करवा लें, नोट्स फोटोशेट करा लें। बच्चों के पास कापियाँ भी लिखी हुई पड़ी हैं, नोट्स भी हैं, अब जी की बुक्स भी आ रही हैं, अब जी A1 नोट्स भी हैं,
अब क्या जी सेल्फ टेस्ट पेपर्स भी हैं, इतना सारा मवाद इकट्ठा करके बच्चा फिर भी चार चार पाँच पाँच मजमूनों में फेल हो रहा है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इतना ज़्यादा बर्डन डाल के वो कोई एक चीज़ भी तैयार नहीं कर पा रहा है। तो असातिज़ा और अकेडमीज अपना एक चीज एक एक पेज पे आ जाए, ठीक है, एक पेज पे आ जाए कि जो सवेरे काम कराया गया है शाम को वही तैयार करना है, नंबर एक। दूसरी चीज़ें, कोई मुनासिब नोट्स, एक रोड मैप बना लें कि भाई ये नोट्स हैं, हमने इन्हीं को फॉलो करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, एक किस्म के नोट्स लेते हैं, उनको दूसरी कोई की बुक कहीं किसी और स्कूल के किसी बच्चे के पास नज़र आती है, वहाँ पर क्वेश्चन आसान नज़र आते हैं, वो बच्चे उससे याद करना शुरू कर देते हैं। बच्चों को जो शुरू में आपने चीज़ करवाई है, साल के एंड तक उसका पाबंद करें कि तुमने इसी से तैयारी करनी है और इसी के पाबंद रहना है। दूसरा, बच्चों को नमाज का पाबंद बनाएं, अल्लाह ताला से दुआ मंगवाएं, बच्चों को शिर्क का आदि बनाएं, रब्बे ज़िदनी इल्मा का आदि बनाएं, कुरान पाक की तिलावत का आदि बनाएं, नातों का आदि बनाएं, अच्छी बातों का आदि बनाएं, अच्छी बातों का आदि बनाएं, ताकि ये गंदी बातें उनके जहन से निकलें और पढ़ाई जो है उनके जहन में घुसे। इसमें सिर्फ टीचर्स ही नहीं हैं, इसमें वालदैन भी अपना किरदार जो है वो अदा करें। सिर्फ ये ना कहा करें कि दो चार बच्चों को गालियाँ निकाली, बैग लेके बैठ जा, नहीं, अगर आपको नहीं पढ़ना आता है, लेकिन चलो ठीक है नहीं पढ़ना आता, आप नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन बच्चे को कहें कि बैग लेके हमारे पास बैठ जा, इतना तो आपको पता है ना, बच्चा पढ़ रहा है लिख रहा है यार, कुछ तो कुछ करेगा ना। वालदैन क्या समझते हैं? वालदैन सिर्फ ये है कि बच्चे को स्कूल भेज दी और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, या सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये 4 हज़ार रुपये फीस दे के समझते हैं कि टीचर्स को या इदारे वालों को स्कूल वालों को ख़रीद लिया है या अकेडमी वालों को ख़रीद लिया है। अकेडमी का तो एक बिजनेस चला हुआ है ना, मैं हमारी भी अकेडमी है, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, जो सवेरे स्कूल का काम होता है वही हम शाम को प्रिपेयर कराते हैं, और उसके बाद कोई एक आध काम रह जाए तो उसे कहते हैं कि रात का जी भाई ये तुम्हारा टाइम टेबल है, इस टाइम से लेके इस टाइम तक आपने ये पढ़ना है। ये अगर यही हालात रहे तो ये रिजल्ट और भी ख़राब आएंगे, बाद में पेशानमानी से कोई हासिल नहीं है। टीचर्स पे सारा गिला या इदारों में गिला बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। इस दफा पंजाब के 8 बोर्ड हैं और सबका ही नतीजा जो है इल्ला माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मायूस कौन आया है। मेरी ये जो बातें हैं इनको शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जो मतलब है कि एक कॉन्टैक्ट होता है वो कॉन्टैक्ट इसी वीडियो के जरिए ही है, तो किसी और का भी भला हो जाए। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर कोई बात ना ठीक लगी हो या कोई बात मैंने दुरुस्त ना की हो तो वो ज़रूर बताइएगा। बाकी जो गवर्नमेंट टीचर्स का इस्तेहसाल है, गवर्नमेंट इदारों का, ठीक है, और जो वो सलूक करते हैं टीचर्स के साथ खासी तौर पर महकमा तालीम, एक 17, 18 या 19 ग्रेड का एक टीचर जो है वो सड़कों पे तनख्वाह के लिए निकलेगा या मराहत के लिए या अपनी नौकरी के बचाने के लिए या मुस्तकिल होने के लिए, आगे से उसकी जो इज़्ज़त अफजाई होती है, कभी वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, एक थर्ड क्लास मैट्रिक पास कांस्टेबल उसको डंडे मारता है और मास्टर तू तुकार करके बोलता है। तो मैं इस माशरे से सवाल करता हूँ कि यार उस टीचर के दिल पे क्या गुजरती होगी जो बना संवार के जनरल बाजवा बना रहा है, बड़े बड़े जर्नैल बना रहा है, बड़े बड़े साइंटिस्ट बना रहा है, बड़े बड़े उलमा और मुफ्तियाँ बना रहा है, तो उन टीचर्स के दिल पे क्या गुजरती होगी? वो ये ज़रूर सोचते होंगे कि यार जिन बच्चों को हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं कल को जाके अफसर बनेंगे और ये कल हमें ही डंडे मारेंगे। चलो वो तो टीचर बाबा बन गया, उसको डंडा, वो उस बेचारे ने कहाँ कहाँ निकलना, लेकिन एज टीचर, मैं टीचर कह रहा हूँ कि वो टीचर सोचता नहीं होगा कि हमें डंडे मारेंगे सड़कों पर। टीचर्स का बीच में रवैया ठीक नहीं है, लेकिन वो है तो टीचर। अब रवैया ठीक होने का ये मतलब नहीं है कि हुकूमती कारिंदे जो हैं उनको
दादा रुपये जलील करें। बैरून मुल्क में सेनेटर के बराबर एक टीचर को प्रोटोकॉल देते हैं, प्रोफेसर को, लेक्चरार को, और हमारे यहाँ क्या देते हैं, कोई पता ही नहीं होता, किसी को तो उठा घर भेज देंगे, चलो जी जाओ मौज करो। और स्टूडेंट नुमा सुल्तान राय से भी इनको इज्जत का ख़तरा पड़ा रहता है, टीचर्स को बमुश्किल गुजारा करते हैं। बड़ी एक तकलीफ दे सूरत हाल है ये, जिस वक्त टीचर्स के साथ ऐसा मुखासमाना और हताकामेज़ सलूक होगा तो वो एक दिन की बर्दाश्त की हुई जो हतक है उसको महीने तक दिल में लेके बैठा रहेगा, दुखी रहेगा। टीचर मुअल्लिम इल्म देता है, बनाता है, संवारता है, इसके साथ अच्छा सलूक करें, तो लवा भी वालदेन भी इसको मुलाजिम ना समझें। आपका बच्चा कभी भी पढ़ नहीं सकेगा, आपका बच्चा कभी भी तालीम हासिल नहीं कर सकेगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।